पंकज सोनी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोदी की गारंटी में पूर्ववर्ती सरकार में ई मित्र पटवारियों ने किया बड़ा गड़बड़ झाला। जमीन का पता नहीं, लाखों फर्जी किसानों के खातों में डाल दी करोड़ों की राशि। और सबसे हैरान करने वाला मामला पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में सामने आया है। अकेली ही इस विधानसभा में 13,860 लोग फर्जी किसान बनकर उठा चुके हैं 17 किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फर्जी तरीके से लाभ भी उठा चुके हैं और इसमें ज्यादातर किसान मुस्लिम नाम से किए गए हैं दर्ज। अब स्थानीय विधायक केसराम चौधरी की शिकायत पर इन नामों की जांच हुई तो कई गांव तो ऐसे निकले जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता था, लेकिन किसान सम्मान निधि की राशि लगातार उठाई जा रही थी। सहकारिता मंत्री गौतम दक ने भी माना कि फर्जी तरीके से भुगतान उठाया गया है और जिन खातों में राशि गई उसे वसूलने की कार्रवाई अब की जा रही है। प्रदेश में भजला सरकार बनने के साथ ही सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। किसान सम्मान निधि पोर्टल से मृत पाए 13.60 लाख फर्जी किसानों के नाम काट दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला खुलकर सामने आया। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में, हालांकि शुरुआत हो चुकी है क्योंकि फर्जी तरीके से जो भुगतान हो चुका है, पैसा जा चुका है अकाउंट में, अब उनसे वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ अब एक्शन मोड में सरकार तो नजर आई गई है। किसान सम्मान निधि पोर्टल से मृत पाए गए 13.60 लाख फर्जी किसानों के नाम तक काट दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फर्जी तरीके से जो किसान लाभ उठा चुके और वो किसान ज्यादातर फर्जी और किसान मुस्लिम नाम से दर्ज किए गए थे ज्यादातर। स्थानीय विधायक केसराम चौधरी की शिकायत पर इन नामों की जब जांच की गई तो फिर खुलकर ये फर्जीवाड़ा सामने आ गया और कई गांव तो ऐसे निकले जहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता था। तो फिर मुस्लिम परिवार के नाम से किसानों के नाम दर्ज, किसान सम्मान निधि की राशियां जो है वो इनके अकाउंट में जा चुकी है। सहकारिता मंत्री गौतम दक ने भी इस पूरे फर्जीवाड़े को सही बताया है। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। पंकज जी, क्योंकि गड़बड़ झाला सामने आ चुका है, फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, तो ये तो कहना गलत होगा कि सरकार करते नहीं है कुछ। सरकार कर रही है, अकाउंट में पैसा जा रहा है, लेकिन जिनके जा रहा है वो माफ कीजिएगा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो अब कैसे एक्शन लिया जाएगा? देखिए पूनम, ये एक बहुत ही बड़ा घोटाला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसानों को गारंटी स्वरूप जो सम्मान निधि दिया जाता है उसमें पूर्ववर्ती सरकार में भारी लापरवाही बरती गई और जो ई मित्र संचालक और स्थानीय जो कर्मचारी होते हैं उसमें खास तौर से पटवारी, उनकी तरफ से ऐसे लोगों का भी सत्यापन कर दिया गया जो ना तो किसानों की श्रेणी में थे और ना ही उनके पास जमीनें थी। जब इस मामले की जब सरकार बदली तो इस मामले को लेकर जब शिकायत आने लगी तो इसकी जैसे जैसे जांच कराई सरकार ने, सहकारिता विभाग ने, वैसे वैसे मामले खुलकर सामने आने लगे। बड़े आश्चर्यजनक तरीके के मामले ये सामने आए। खास तौर से मारवाड़ जंक्शन के एक मामले का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। स्थानीय विधायक केसाराम चौधरी ने जब इस मामले की शिकायत सहकारिता विभाग को करी तो उसमें जांच में बड़े आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। वहां पर बहुत लंबी सूची एक धर्म विशेष के लोगों को किसान बताकर उनके सम्मान निधि को उठाने की थी, लेकिन जब जांच हुई तो किसी भी गांव में, कई गांव ऐसे निकले जहां किसी भी मुस्लिम नाम से कोई आदमी ही नहीं रहता था, लेकिन उसके नाम से 17 किस्तें, अब तक 18 किस्तें किसान सम्मान निधि की जमा हो चुकी किसानों के खाते में, उसमें 17 किस्तें पूरे के पूरे लोग उठा चुके थे और करीब 14,000 के करीब नाम थे जिन्हें अब हटाया गया और ये अब जो और जांच आगे जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन फर्जीवाड़ों का खुलासा होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो केंद्र ने जो किसानों के सम्मान के लिए जो पैसा खातों में डालने की योजना बनाई थी उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ डाला पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही के चलते सामने आ रहा है। जी पूनम सर, ये बताइएगा कि चलो ये तो इस इलाके की खबर है, लेकिन इस तरीके से फर्जी तरीके से अकाउंट में पैसे का फायदा लिया जा रहा होगा कई और जगह भी, तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? क्या उसका भी खुलासा करने की कोशिश की जाएगी राजस्थान सरकार की तरफ से? बिल्कुल, हमारी जब इस विषय में जो मंत्री है सहकारिता मंत्री गौतम दक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि जो सत्यापन का काम है उसे नीचे के अधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ करें और ये भी हो सकता है कि सरकार उन पूरी जो किसान सम्मान निधि से, किसान सम्मान निधि के जो किसान है, जो पात्र किसान है, उनकी पात्रता की जांच एक बार फिर से कराए। जहां जहां भी इस तरह की शिकायतें मिल रही है सरकार करा रही है, उसकी जांच करा रही है। और बड़ी बात, करीबन 13-14 लाख किसान ऐसे थे जो अभी तक उस सूची में अपात्र पाए गए, या तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी या फिर
जो जो नियम है सम्मान निधि के कि जमीन भी होने की आवश्यकता वो नहीं थे, तो उन्हें तो हटाया गया है। लेकिन अब ये ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस खुलासा होने के बाद लगातार इस मामले की जांच करवाएगी और जो भी अपात्र किसान हैं जो सम्मान निधि को उठा चुके हैं उनसे वापस वसूलने की कार्रवाई भी की जाएगी। जी पूनम, ठीक है, नजर बना के रखिएगा पंकज जी, क्योंकि बेहद बड़ा ये फर्जीवाड़ा जिसका खुलासा हो चुका है, अब किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है वो अपडेट आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।